इंसान ही इंसान हो इंसान है। और कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं है, कुरान तो ईमान बताता है ही है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और एक शायर ने लिखा कि वक्ते खुर्साने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्मे दिल सीने कले जैसे लगाने न दिया। और या हबीब या रसूलल्लाह, मेरे आमाल मेरे आमाल मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। या रसूलल्लाह, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ग्रहण इस्लाम पढ़िए मर्तबा दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहां जितने लोग बैठे हैं, मुझे यकीन है कि सारे लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठा उठा के सबूत दे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग रसूल से मोहब्बत किया करते हैं। थोड़ा हाथों को उठाकर इशारा से कर दे, कुछ बोल बोल जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ उठा दे ताकि पता चले कि कितने लोग नबी से प्यार करते हैं। बस ठीक है, हाथ पीछे कर दे। एक बात बताए, इस दुनिया में जो नौजवान बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग जानते हैं कि दुनिया में जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है, बहुत बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। दुनिया में जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है, उस शख्स के हर बाप वहाँ रहता है, चाहे घर में हो। अगर वालिदैन जिंदा है, माँ बाप की मोहब्बत दिल में हो तो माँ बाप जब भी कोई काम आएंगे कि मुझे ये चाहिए, ये फौरन खड़ा उठेगा और जाकर बाजार से वो चीज खरीद कर लाकर अपने वालिदैन को दे देगा, इस दुनिया में देगा कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह एक नौजवान शख्स है, उसकी शादी हो गई है, उसकी अहलिया ने आमिर कहा कि मेरे शौहर जाए बाजार से ये चीज लेकर आ जाए, फौरन जाएगा जाकर बाजार से वो चीज जो उसकी अहलिया को पसंद है वो खरीद कर लाएगा। और लाने की वजह जानते हैं क्या है? वो यही है कि वो उससे मोहब्बत करता है, इसलिए उसके हर बाप को माना। आसान लफ्जों में जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात को माना करता है। सारे लोग जानते हैं माना करता है, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब की बात बात हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब हम अपने मन पर हाथ रखें और सोचे कि हमने रसूल के कौन कौन से बात पर अमल किया है। हम सोचे, तकरीरें बहुत बहुत हैं और नाथानी जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्नत हमारे लिए, ऐसे जन्नत तैयार है हमारे लिए, हम दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम सुने और जन्नत में दाखिल, यही सोचते हैं हम। क्या यह इस्लाम है? क्या रसूल ने यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया? रसूल से मोहब्बत पर सारे लोगों ने सारे हाथ उठाया है। अब हम हाथ रखते हैं कि हमने रसूल की कौन कौन सी बातों को माना। अगर घर में बीबी हो, बीबी से हम मोहब्बत करते हैं तो बीबी की हम बात मानते हैं। वो कह दे कि एक साबुन लेकर आना है, हम एक साबुन नहीं बल्कि एक दर्जन साबुन लाके देते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है, हम देते हैं। रसूल ने जब कोई बात कही तो क्या हमने उसमें अमल? ये रसूल की महफिल है और यहाँ रसूल की ही बात होनी चाहिए। क्या हमने रसूल ने कहा कि मेरी ठंडक नमाज है? सबसे पहली बात, सबसे अफजल इबादत नमाज है, सबसे बेहतर इबादत नमाज है। नमाज शुरू करते हैं,
वालिदैन कहते हैं कि बेटा मुझे ये चीज बहुत पसंद है, अगर लड़का अपनी माँ बाप से मोहब्बत करता होगा तो वो चीज अपने शहर में मिलती हो या नहीं हो, अगर वो दिल्ली से भी लाना पड़े तो वो बच्चा उस माँ को जाकर लेकर आता है और इस याद कर आता है कि मैं अपने माँ और बाप से मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए कहा कि नमाज में बताए हमने तो हाथ फौरन उठा दिए, क्यों क्यों उठाया था, हम जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन अफसोस जन्नत में जाने का जो रास्ता है उस रास्ता को छोड़ बैठ गए। सिर्फ नबी नबी कहा जा रहा, ये नबी से मोहब्बत नहीं है, हर जिस नबी है सिर्फ आप नबी रहेंगे, नबी नबी रहेंगे आप जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन जिस नबी के एक काम को नहीं करना चाहते, हम खुद नहीं करना चाहते, बताएं हम क्या जन्नत में जाएंगे, किस बुनियाद पर जाएंगे, चाहे नमाज का मसला हो चाहे दूसरे मसाइल हो हम दूर खड़े नजर आते हैं, उसके करीब आने का हम सोचते ही नहीं है, दिमाग में ख्याल भी नहीं आता है कि हम वहाँ जाएं, कुछ सीखें, कुछ करें, रब ताला के दरगाह में हाजिर होना है, हाजिर होना है, रब ताला की दरगाह में हमें हमें हाजिर होना है, और रब ताला जब हमसे हिसाब लेगा ना हिसाब तब हमारा शर्म सर शर्म के मारे नीचे नीचे जाएगा, रब ताला जब जब हमारे महान लेगा तो जिंदगी के हर लम्हे में हम सहारा मिल जाएगा, और याद रखें हमारे अमाल के बदतरीन कि जिंदगी तो दूर की बात है, रब अगर एक लम्हे का हिसाब हमसे अगर ले ले तो हम एक लम्हे का हिसाब भी नहीं दे सकते, ये हमारे अमाल है, याद रखें ये हमारे हक है, हम भी चाहते तो खूब बढ़िया बढ़िया वाकया सुनाते और सीधे जन्नत का चक्कर मारते, लेकिन जरूरत है इस बात की हम अमल करें, अमल जब करेंगे उसके बाद हम कुछ भी करेंगे रब ताला उसे कबूल करेगा और उस सदके में हमें जन्नत से लौट मरने के बाद ऐसा मकाम अता फरमाएगा, इतना बड़ा मकाम देगा जिसके बारे में हम दुनिया में सोच, लेकिन हम अमल करें तो सही, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें तो सही। आज हम ईद मिलाद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं, रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही क्योंकि पहले ही से तैयार थे, अहले सुन्नत ने बड़ी बेदारी आपके अंदर लाई थी मोहब्बत की बात करके, तुमने सोचा कि मैं भी हाथ एक बार उठवा देता हूँ देख लूं भाई तुम मोहब्बत करने वाले लोग हैं क्योंकि ये मेरा अपना गाँव है, याद रखें ये नेकियां हमारे जानते हैं जब हम नेक रहेंगे ना नेक अमाल करेंगे उसके बाद हम नबी का नाम ले या कोई भी अमल करेंगे दुनिया का कोई भी काम करेंगे हमारा काम जो है खुद ब खुद होता चला जाएगा, लेकिन अगर हम बदकार रहे और ये उम्मीद रखें जैसे दुनिया में आदमी जब गेहूं का फसल हो और उसने गेहूं गेहूं के खेतों में लगा दे और ये सोचे कि चलो गेहूं रोक लिया हूं काटने पर जाम धान काट लूंगा तो ये हर हर की हो सकता है, हम अमल करेंगे जितना नेकियां करेंगे रब ताला का एक एक नेकी का बदला हमें जरूर होगा, तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकियां कमाने की चलते चलाते बार बार कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा हमें अपने आप को इस तरीके से बनाना चाहिए कि अगर हमें नजर आए याद रखें एक छोटी सी भी नेकी कहीं नजर आए तो हमें उसे छोड़ना नहीं नहीं हम किसे नहीं छोड़ना चाहेंगे, मिसाल दे रहे हैं हम रास्ते से गुजर रहे हैं कहीं भी कहीं भी गुजर सकते हैं किसी भी रास्ते, अगर किसी रास्ते में कोई मजबूर इंसान मिल जाए जो मजबूर हो हम उसकी फौरन मदद करें, ऐसा ना सोचे कि यहाँ इतने लोग हैं कोई मदद नहीं कर रहा है तो मुझे आगे आगे करके कभी क्या होगा, याद रखें अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ही की तरह सारे लोग सोचते हैं, इसीलिए हमें दूसरों की सोचों से कोई मतलब नहीं
नहीं है बल्कि हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, हमें अपने आप को इस तरीके से बनाना है। मेरे भाई मुझे मुझे कहा करी लकद काना तुम फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हम लोगों के लिए, यकीनन हम लोगों के लिए इस दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि रब ताला हमें कामयाब दे, रब ताला हमें ऊंचा मकाम दे, रब ताला हमें बेहतर रखे, मालदार बनाए, हमें इज्जत से नवाजे, तो हमारे लिए बेहतरीन है कि हम रसूल के बताए हुए तरीकों को फॉलो करें, उनके बताए हुए तरीकों को माने। बताए हुए तरीकों पर अमल करेंगे तो याद रखे हम यहाँ भी कामयाब होंगे। हमें दुनिया में तो इज्जत मिलेगी मिलेगी, मरने के बाद वो इज्जत अता करेगा, वो इतना इज्जत अता करेगा जितना इज्जत हमने दुनिया में सोचने की जरूरत है। हमें अपने आप को बदलने वाइट द लाइक वाइट वाइट आई तो आज हम रसूल की पैदाइश के मौके से यहाँ हाजिर हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही वाला महीना है। अभी नबी अहले सुन्नत ने एक शेर पढ़ा था कि कल्ब में जज्बाए ईमान कहां या रसूल अल्लाह आप कहां पढ़ते हो कुरान कहां से आता है। सारे लोग इतराज करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल वो कुछ नहीं करना चाहिए, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, बहुत सारे मुस्लिम मसाइल मसाइल समझाते हैं। लेकिन याद रखिए वही नबी है जब इस दुनिया में आए तो रब ताला ने उन्हें ज्ञान दिया। उन बेवकूफों बेवकूफ जो बोलते हैं सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, उनसे जाकर कह दीजिएगा कि वही नबी है जो कुरान लेकर आए। मैं भी उस कुरान को पढ़ता हूँ और तू भी उस कुरान को पढ़ता है, पढ़ने के बावजूद भी इतना गुस्सा है, याद रखे इसका हश्र इतना बुरा होने वाला है। वो इस कदर जलील वकार होगा चाहे वो दुनिया की बात हो या मरने के बाद, तो आप सोच ही नहीं सकते कि उसके साथ क्या क्या होगा। रब ताला बेहतर जानता है, हमें उसके टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने उन्हें दुनिया में देखा है जब वो मरते हैं तो जलील मरते हैं, जो नबी की तौहीन किया करते हैं उनकी बुराइयां करते हैं। याद रखें रसूल की इज्जत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। ये मैं नहीं कहता, कुरान मजीद की आयतें हैं। ये रसूल की जैसे जैसे अरसा गुजरता जाएगा रसूल की इज्जत इतनी बढ़ती चली जाएगी। ये मेरी बात नहीं है, पर ये कहता हूं कि मुझे पांच या दो बातें कहूं क्योंकि मुझे आधे घंटे का वक्त दिया गया और तकरीबन है अभी 15 मिनट तक है अभी की 15 मिनट में कुछ बातें कहकर आपसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।